जय सियाराम भक्तजनों, प्यारे भक्तों, जो इंसान भगवान के इन वचनों को सुनकर इस प्रकार भक्ति करेगा उसे सब कुछ प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना, एकाग्रचित होकर के अगर आप इस तरह से भक्ति करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तू हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसलिए हम लोगों को भी हृदय की कायरता कमजोरी को त्याग कर अर्जुन की भांति भगवान के वचनों में विश्वास करके श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होकर कोशिश करनी चाहिए। भगवान के अंश होने के नाते भी हम लोगों को अपनी कमजोरी नहीं माननी चाहिए। अग्नि की चिंगारी की भांति जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है, जैसे अग्नि की छोटी सी भी चिंगारी वायु के बल से सारे ब्रह्मांड को जला सकती है, ऐसे ही यह जीवात्मा सत्संग रूपी वायु के बल से समस्त पापों को जलाकर संसार समुद्र को गोपद की भांति लांग सकता है। समुद्र लांगने के समय हनुमान जिस प्रकार अपनी शक्ति को भूल गए थे, वैसे ही हम लोग अपनी शक्ति को भूले हुए हैं, और जावंत के याद दिलाने पर जैसे हनुमान तुरंत समुद्र को लांग गए, वैसे ही हम लोगों को भी महात्मा पुरुषों के वचनों को सुनकर संसार समुद्र को गोपद की भांति लांगने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सारे बंदरों में समुद्र लांगने की शक्ति केवल हनुमान जी में ही थी, वैसे ही सारे जीवों के अंदर संसार समुद्र के लांगने की शक्ति केवल मनुष्य में ही बतलाई जाती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को ही पात्र समझकर अपनी अंगूठी दी थी, वैसे ही भगवान ने मनुष्य को ही आत्मद्वार का अधिकार दिया है। तो ऐसे परम दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर आत्मद्वार के लिए तन्मय होकर वैसे ही कोशिश करनी चाहिए जैसे संसार मनुष्य अर्थ और काम के लिए तन्मय होकर चेष्टा करते हैं। संसार के अर्थ और भोगों में जितनी प्रीति है वे दिन रात अर्थ और भोगों का ही चिंतन करते हैं। उनकी अर्थ और भोगों में ये दृढ़ भावना हो रही है, कामी पुरुष को सारा संसार प्राय स्त्री में दिखता है, यानी उसके मन में स्त्री का ही चिंतन होता रहता है। लोभी पुरुषों की वृत्ति अर्थमयी बन जाती है, वे भी जो कुछ कार्य करते हैं उनमें रुपयों के हानि लाभ की प्रधानता देते हैं। रुपयों का ही लाभ ही उनकी दृष्टि में लाभ है और रुपयों की ही हानि उनकी दृष्टि में हानि है, क्योंकि ये अर्थ के दास हैं। जब वे कोई कार्य करना चाहते हैं तो पूर्व में उसके हृदय में यह भाव पैदा हो जाता है, इस काम के करने में हमें क्या लाभ होगा। हानि लाभ का निश्चय करके वो कार्य में प्रवृत्त रहते हैं। तो ये नहीं कि प्रभु के भक्तों को इन अर्थी पुरुषों से भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि प्रभु के भक्तों को प्रभु के लिए प्रवृत्त होना ही चाहिए। इस तरह से अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के वचनों को, महापुरुषों के वचनों को सुनेंगे, तो जरूरी बात है कि आपको सब कुछ प्राप्त होगा, और वह प्राप्त होगा जिसका आपके अंदर में अभी चिंतन हुआ भी नहीं है और आपको ये भी पता नहीं है कि मुझे क्या मिल जाएगा। तो प्यारे भक्तों, हमारी अर्जी आपकी मर्जी, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सियाराम।